सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करने वाला हूँ बिग बॉस के 22वें दिन के बारे में। जी हाँ, 22वां दिन जो था, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा, यानी चौथे वीक का मंडे, वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग सरप्राइजिंग नॉमिनेशन से भरा था। और कहीं ना कहीं ये दूसरा दिन था ढिंचक पूजा का घर में। क्या क्या हुआ इस दिन और क्या क्या अनोखा हुआ, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं तीन चीज़ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। एक तो ढिंचक पूजा का जो सुबह सुबह ही दिन था, दूसरा दिन वो ख़राब गया। वो क्यों गया मैं बताऊंगा आपको। और उसके बाद हिना खान क्या पढ़ रही है और जो रैपिंग हो रही है वो आप देख सकते हैं। आकाश और ढिंचक पूजा ने एक अच्छी खासी रैपिंग की। चलिए स्टार्ट करता हूँ। सुबह ये हुआ कि ये कहा जा रहा था कि ढिंचक पूजा जो घर में आई है, उनके बालों में जुए हैं, ये है वो है, कुछ प्रॉब्लम है, तो घर में सब उनका मजाक उड़ाने लगे एक के बाद एक। ठीक है, तो वो मजाक जो के बाद ढिंचक पूजा को शिल्पा ने जाके बोला कि इस तरह से तुम्हारे ऊपर कहा जा रहा है, तो तुम्हारे तुम्हें दवा लगाने की ज़रूरत है, तो आप के बालों में अगर जुए हैं, इस तरह से बात हुई। उसके बाद चलिए वो सब बातें खत्म हो गई, दवा वगैरह लाई गई। उसके बाद हमने देखा आकाश और ढिंचक पूजा थोड़े से डीजे एक उसमें आ गए, मतलब रैपिंग के फॉर्म में आ गए। ढिंचक पूजा ने जहाँ पे गाना गाया, सेल्फी मैंने ले ली आज, तो उसके आगे कंटिन्यू किया आकाश ने, बहुत बढ़िया लगा ये। उसके बाद किस तरह से घर में क्या क्या हुआ वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ धीरे धीरे। मतलब बहुत कुछ घर में हुआ, तो आपको बताना तो बहुत ज़रूरी है। एक सेकेंड, हाँ, ये एक टास्क था जो बहुत अच्छा टास्क था। और यहाँ पे बिग बॉस ने एक चीज़ बहुत ही खास चीज़ कही, वो ये कि टास्क का जो नाम था वो बहुत अलग था। और एक और चीज़ बिग बॉस ने यहाँ पे ये कहा कि पहले से ही आप किसी से डिस्कस मत करिए घर में कि आप किसको नॉमिनेट करने वाले हैं। तो वो एक रूल तोड़ा है यहाँ पे लोगों ने, इसलिए बिग बॉस इस बार खफा थे। बिग बॉस ने खुद ही 6 नॉमिनेशन कर दिए। उन 6 नॉमिनेटेड लोगों में मैं नाम बताता हूँ आपको। उन 6 नॉमिनेटेड लोगों में नाम था बंदगी, शिल्पा, आशी, विकास, महजबी, पुनीश। अभी 6 नाम तो ले लिए बिग बॉस ने, क्योंकि बिग बॉस को गुस्सा है क्योंकि सभी पहले ही एक दूसरे से डिस्कस करें कि इसको नॉमिनेट करें ऐसा ऐसा। अब 6 नाम जब ले लिए, यहाँ पे कंडीशन भी रख दी बिग बॉस ने। बिग बॉस ने कंडीशन ये रखी कि एक टास्क रखा जाएगा जिसमें से हाथ देखिए पकड़ते हुए नजर आएंगे ना, दो लोग हाथ पकड़ रहे, तो ऐसे कम से कम 6 जुड़ियाँ बनाई गई, 6 से 7, 7 जुड़ियाँ बनाई गई, क्योंकि 14 लोग हैं घर में करीबन करीबन 14-15। तो वो जोड़ी एक एक का हाथ पकड़ेगी और जिस जो जिसे अगर ये नॉमिनेटेड, जैसे कि आशिक खान को नाम लिया था बिग बॉस ने, तो आशिक खान हाथ पकड़े है बिनाफ्शा का, ऐसा बिग बॉस ने खुद ही जोड़ी डिसाइड की है। तो बिनाफ्शा का हाथ अगर आशी ने छोड़ दिया तो आशी सेफ हो जाएंगी और बिनाफ्शा नॉमिनेटेड हो जाएगी। आप समझ गए होंगे राइट। तो ये टास्क का कुछ इस तरह से मतलब था। तो आशी ने फटाफट हाथ छोड़ दिया, तो ये तो नॉर्मल सभी को पता था। उसके बाद शिल्पा और हितेन की जोड़ी आई, शायद यहाँ पे दिखाया नहीं गया तो मैं आपको बता दूँ, शिल्पा हितेन की जोड़ी है। शिल्पा ने हितेन का हाथ नहीं छोड़ा क्योंकि शिल्पा भी नॉमिनेटेड थी, दोनों सेफ हो गए। और यहाँ पे फिर बंदगी और लव की बारी आई, बंदगी ने लव का हाथ छोड़ दिया तो लव नॉमिनेटेड हो गया। पुनीश और सपना की बारी आई, पुनीश ने सपना का हाथ छोड़ दिया तो सपना नॉमिनेटेड हो गई। उसके बाद विकास और सत्य सब्यसाची का था, तो विकास ने बहुत अच्छी स्टोरी बताई कि वो बहुत पहले से जानते सब्यसाची को, तो सब्यसाची का उन्होंने नॉमिनेट नहीं होने दिया और ना तो और खुद खुद भी नहीं हुए, और दोनों ने सॉरी खुद नॉमिनेट हो गए, माफ़ कीजिए, विकास खुद नॉमिनेट हो गए क्योंकि सब्यसाची का हाथ उन्होंने नहीं छोड़ा। और यहाँ पे शिल्पा नॉमिनेट हो गई क्योंकि शिल्पा ने हितिन का हाथ नहीं छोड़ा था। ठीक है, और उसके बाद एट द एंड महजबी और ज्योति के बीच में थी, तो महजबी ने हाथ छोड़ दिया ज्योति का, तो ज्योति नॉमिनेटेड हो गई। हिना और आकाश का था, तो आकाश का हाथ छोड़ ही दिया था, और हिना तो वैसे भी नहीं थी नॉमिनेटेड क्योंकि वो कैप्टन है। तो हिना को ये कंडीशन रखी गई थी कि हिना आप नॉमिनेटेड बिल्कुल भी नहीं क्योंकि आप कैप्टन हो, तो आप चाहे तो आकाश का हाथ पकड़ सकती हो अगर आपको उसको सेव करना है, तो या तो छोड़ोगी भी तो वो नॉमिनेटेड हो जाएगा। तो हिना के पास ऑप्शन था लेकिन हिना ने हाथ छोड़ दिया क्योंकि हिना और आकाश की बिल्कुल नहीं बन रही है। अब जो जो कंटेस्टेंट है जो नॉमिनेटेड लिस्ट में आ चुके हैं प्रॉपर, उनका नाम बता देता हूँ। शिल्पा, बिनाफ्शा, लव, सपना, ज्योति, विकास और आकाश, ये सब नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट है इस हफ्ते के लिए। और ढिंचक पूजा को बिल्कुल भी नॉमिनेशन का दिया नहीं गया क्योंकि उनको करीबन करीबन एक ही दिन हुआ घर में आए, तो आई थिंक अगले नॉमिनेशन में उनका नाम होगा। इसके बाद घर में क्या क्या हुआ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। घर में काफ़ी ज़्यादा फाइट हुई, वो भी जुड़ी थी हिना और आकाश को लेकर। आकाश और हिना के पीछे बहुत खास हुई है क्योंकि आकाश टाइम पे खाना नहीं खाया, तो हिना कह रही कि तुम उसे खाना भी मत देना, उसे खाना भी मत देना, तो वो सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा घर पे
फाइट हुई ऐसा देखने को मिला, और उसके बाद कहीं ना कहीं पुनीश की भी हिना से थोड़ी फाइट हुई, तो घर में काफ़ी फाइट हुई, लेकिन मेन जो फाइट हुई थी वो विकास और सॉरी विकास नहीं, वो आकाश और हिना के बीच में हुई थी। कल एपिसोड्स में क्या होगा वो तो देखने वाली बात है, कुछ ज़्यादा खास पता नहीं चला है, लेकिन कल का एपिसोड भी धमाकेदार होगा, क्योंकि कल एपिसोड भी कुछ जंगल वाला टास्क है जहाँ पर हिना और आकाश की फिर से फाइट होने वाली है, तो देखते हैं किस तरह कल का दिन होता है। बहरहाल 22वां जो एपिसोड था यानी 22वां दिन बहुत इंटरेस्टिंग था, मुझे अच्छा लगा, तो मैं 5 में से 4 स्टार दे सकता हूँ आराम से। वीडियो कैसे लगा आपको जरूर बताइएगा। चलिए फिलहाल इतना ही, बाय बाय।